Assalam-O-Alaikum दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑटोकार पी के। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले लोग होंगे खैर आफियत से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी ब्रांड न्यू गाड़ी के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट सीरीज के कैटेगरी में फॉल करने वाली एक गाड़ी के बारे में, जिसका नाम है सुजुकी लियाना। तो आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि ये गाड़ी कैसी है, इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा है, इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन सा इंजन मिलता है और ये गाड़ी क्या फ्यूल एवरेज देती है। इसके अलावा अभी इस गाड़ी के पाकिस्तानी मार्केट में कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और क्या प्राइस चल रही है, तो इस वीडियो को आगे देखते रहें। आज की इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सुजुकी लियाना के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं तो सुजुकी लियाना एक फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव सब कॉम्पैक्ट सेडान है, जो कि पाक सुजुकी वालों ने पाकिस्तानी मार्केट में 2004 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में पाक सुजुकी वालों की एक गाड़ी आती थी सुजुकी बलिनो के नाम से, उस गाड़ी के साथ पाक सुजुकी वालों ने इस गाड़ी को रिप्लेस किया था। सुजुकी बलिनो पाकिस्तानी मार्केट में 2005 तक रही थी। 2004 में सुजुकी वालों ने अपनी इस नई लियाना को लॉन्च किया और फिर उसके बाद 2005 में सुजुकी बलिनो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, सुजुकी लियाना की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुजुकी बलिनो से मिलती जुलती हैं, जिसमें से इस गाड़ी का एक इंजन भी है। और सुजुकी लियाना को इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी एरियो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी लियाना के टोटल दो मॉडल्स आते थे, जिसमें से एक तो था यही सेडान वाला जो कि पाकिस्तानी मार्केट में भी मौजूद था, और दूसरा था हैचबैक वाला जो कि कुछ इस तरह से दिखा करता था। दोस्तों, सुजुकी वालों ने इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में 2004 में इंट्रोड्यूस करवाया था और 2004 से लेकर यह गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में 2014 तक रही थी। लेकिन 2009 में सुजुकी वालों ने इस गाड़ी में एक फेसलिफ्ट को भी मुतारिफ करवाया था, जिसमें बहुत ही माइनर सी कॉस्मेटिक चेंजेस की गई थी। अगर बात की जाए गाड़ी के वेरियंट्स के बारे में, तो इस गाड़ी के पाकिस्तानी मार्केट में टोटल तीन वेरियंट्स अवेलेबल हुआ करते थे, जो कि अब भी अवेलेबल हैं, जिसमें सुजुकी लियाना LXi, सुजुकी लियाना RXi और सुजुकी लियाना एमिनेंट शामिल हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है। उस ज़माने के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। गाड़ी के फ्रंट पर आपको ऑल इन वन हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं। इसके अलावा इन हेडलाइट्स के बीच में जो नॉन फेसलिफ्ट वाले वर्जन थे, उसमें आपको बॉडी कलर्ड ग्रिल मिलती थी, जबकि जो सुजुकी वालों ने पाकिस्तानी मार्केट में फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उस फेसलिफ्ट में बॉडी कलर्ड फ्रंट ग्रिल को क्रोम ग्रिल के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। गाड़ी की प्रोफाइल की तरफ देखा जाए, तो इस गाड़ी की प्रोफाइल भी फ्रंट की तरह काफ़ी सिंपल है। इस गाड़ी के साइड पर आपको बेसिक वाले वेरिएंट्स में 13 इंच के स्टील व्हील्स मिलते थे व्हील कैप्स के साथ, जबकि जो हायर एंड वेरियंट्स थे उनमें आपको 14 इंच के अलॉयज भी मिलते थे। गाड़ी के बैक पर देखा जाए, तो इस गाड़ी के बैक पर आपको नॉन फेसलिफ्ट वाले मॉडल्स में नॉन क्रिस्टल लाइट्स मिलती थी, जबकि जो सुजुकी वालों ने इस गाड़ी का पाकिस्तानी मार्केट में फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इन टेल लाइट्स को क्रिस्टल टेल लाइट्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। इसके अलावा इस गाड़ी के बैक पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैंप तो मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के रियर बम्पर में सेपरेट रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल नहीं हैं। बात कर लीजिए गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन है, वो भी एक्सटीरियर की तरह काफ़ी सिंपल है। और इस गाड़ी के इंटीरियर में 2-टोन कलर्ड मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गाड़ी के सेंट्रल कंसोल में AC वेंट्स के इर्द गिर्द और डोर पैनल्स में पावर विंडोज़ के स्विचेस की जगह सिल्वर कलर्ड मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया था। इस गाड़ी में आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिस पर कोई स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि काफ़ी सिंपल है। और अगर बात की जाए गाड़ी के हेड यूनिट के बारे में, तो इस गाड़ी में आपको कंपनी की तरफ से तो एक ऑडियो सिस्टम मिलता था, लेकिन सुजुकी वालों ने 2009 में इस गाड़ी का जो फेसलिफ्ट मुतारिफ करवाया था सुजुकी लियाना वर्व के नाम से, इसे वर्व बोलते हैं कि पता नहीं वर्व बोलते हैं, वो मुझे सही पढ़ना नहीं आ रहा, बहरहाल जो भी है, तो इस वेरिएंट में आपको सुजुकी वालों की तरफ से ऑप्शनल DVD प्लेयर का ऑप्शन भी मिलता था। इसके अलावा गाड़ी के सेंट्रल कंसोल में हेड यूनिट के नीचे आपको एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली ओवरऑल इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी कुछ फीचर्स। तो भाई, वैसे तो इस गाड़ी में आपको ज़्यादा कोई खास और ज़्यादा कोई मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते, बस खाली बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग हो गया, पावर विंडोज़ हो गई, पावर डोर लॉक्स और सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ कीलेस एंट्री मिलती थी।
इसके अलावा इस गाड़ी में आपको AM/FM रेडियो मिलता है, CD DVD प्लेयर मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ ट्रिप मीटर भी मिलता है। अगर बात की जाए गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में तो भाई सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ ABS ब्रेक्स मिलती हैं, एयरबैग इस पूरी गाड़ी में एक भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी के लिए इस गाड़ी में आपको इंजन इमोबिलाइजर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो भाई पाकिस्तानी मार्केट में इस गाड़ी के टोटल 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हुआ करते थे, जो कि अब भी अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो है वो है 1.3 लीटर का यानी कि 1300 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जबकि जो दूसरा है वो है 1.5 लीटर का यानी कि 1500 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और इसके अलावा जो तीसरा है वो है 1.6 लीटर का यानी कि 1600 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब इन तीनों इंजन्स के पावर्स के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये गाड़ी आज आप सेकंड हैंड ही खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको मिलने से रही। तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जितना पावर मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये गाड़ी अब उतना पावर प्रोड्यूस ना कर सके। इसके अलावा इन इंजन्स के साथ आपको इस गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल के अलावा 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी मिलते थे। दोस्तों जहां तक सवाल है गाड़ी की फ्यूल एवरेज का, तो इस गाड़ी में आपको सबसे गंदा जो फ्यूल एवरेज मिलता है वो है 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर तक, जबकि सबसे अच्छा जो फ्यूल एवरेज है गाड़ी आपको दे सकती है वो है 10 से 12 किलोमीटर्स पर लीटर तक। अब मैंने इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज को गंदे और अच्छे में डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये एक सेकंड हैंड गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है, आज आपको सेकंड हैंड ही मिल सकती है, नहीं तो आपको मिल नहीं सकती। तो फ्यूल एवरेज एक तो गाड़ी की ड्राइवर की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिस तरह से गाड़ी ड्राइवर चलाएगा उसी तरह से गाड़ी फ्यूल एवरेज देगी, लेकिन दूसरा फ्यूल एवरेज गाड़ी की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से मैंने इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गंदा और अच्छा। अब जिस तरह से आपकी गाड़ी की कंडीशन होगी और जिस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे, ये गाड़ी आपको उसी तरह से फ्यूल एवरेज देगी। इन फिगर्स को आप रफली लें। बाकी अगर बात की जाए गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इस गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 50 लीटर्स, यानी कि इस गाड़ी के टैंक में आप एक ही दफ़ा में 50 लीटर्स तक पेट्रोल जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक पुरानी गाड़ी है, आज आपको पाकिस्तानी मार्केट में सेकेंड हैंड ही मिल सकती है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी की तो वैसे भी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की कीमत जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में शुरू होती है 5 लाख रुपए के बजट से और जाती है 8 लाख रुपए तक। बाकी ज़्यादा डिपेंड करता है एक बार फिर से गाड़ी की कंडीशन पर और गाड़ी के वेरिएंट पर। जैसी गाड़ी की कंडीशन होगी वैसे ही गाड़ी की कीमत भी होगी। अब दोस्तों यही था आज का रिव्यू या ओवरव्यू, जो भी बोलना चाहें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।